अस्सलाम वालेकुम। टुडेज प्रैक्टिकल इज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज। इस प्रैक्टिकल के दौरान स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज़ किया जाता है और ग्लूकोज कंटेंट जो है वो किसी भी चीज़ के अंदर फाइंड आउट करना हो तो उसकी अमाउंट जो है वो फाइंड आउट की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज जो है वो किसी टॉफ़ी वगैरह में प्रेजेंट है, किसी जूस वगैरह में प्रेजेंट है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है, किसी भी चीज़ के अंदर ग्लूकोज कंटेंट जो है वो कितना होगा वो इस प्रैक्टिकल के थ्रू फाइंड आउट किया जा सकता है। मटेरियल्स जो है इस प्रैक्टिकल में यूज़ होते हैं उसके अंदर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, पाइपेट्स और मिक्सिंग ट्यूब्स, ताकि कोई भी सोल्यूशन वगैरह मिक्स करना हो तो वो ट्यूब्स। इसके बाद क्यूबिट्स, क्यूबिट्स जो होती हैं ये छोटी छोटी सी ट्यूब्स होती हैं और ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर रखी जाती हैं और क्यूबिट के अंदर ही वो सोल्यूशन डाला जाता है जिसके जिसके हमने जिसके अंदर हमने ग्लूकोज कंटेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। इनफैक्ट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर किसी भी चीज़ की अगर अमाउंट फाइंड आउट करनी है तो उस सैंपल को क्यूबिट के अंदर डाल के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर रखा जाता है। इसके बाद ग्रेप ग्रेप कूल एट टेस्ट सॉल्यूशन ग्लूकोज स्टैंडर्ड ब्लैंक वन, ब्लैंक टू और ग्रेप कूल एट ग्लूकोज। तो ये सारे के सारे मटेरियल्स जो हैं वो इस प्रैक्टिकल के दौरान चूज होते हैं। देन नेक्स्ट आता है इसका प्रोसीजर कि किस तरह से हम ये पूरा प्रैक्टिकल हमने परफॉर्म करना है। प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आपको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की डायग्राम दिखाई गई है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, तो उनमें से एक जो है वो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है, बाकी जो हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं। और ये जो यहाँ पर दिखाई गई है जिसके अंदर एक सैंपल प्रेजेंट है, ये क्यूबिट है, इसके अंदर हम अपना सैंपल सॉल्यूशन जो है उसको डाल के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यहाँ पर इन बटन्स के थ्रू हमें इसकी वेवलेंथ और सारी चीज़ें जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी उनको कंप्लीट तरीके से यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारे सॉल्यूशन की रीडिंग होती है वो हमें यहाँ पर सामने कैलकुलेटेड फॉर्म में नज़र आ जाती है। तो ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। और नेक्स्ट अगर बात करें इसके प्रोसीजर की, तो सबसे पहले आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को ऑन करना है और उसके बाद स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को 5 मिनट के लिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आपने छोड़ देना है ताकि वो वार्म अप हो जाए। उसके बाद आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की वेवलेंथ को सेट करना है जो कि होगी 600 नैनोमीटर। ये वेवलेंथ वो वेवलेंथ है जो कि लाइट की होती है और इसके ऊपर जो है ये वेवलेंथ बहुत अच्छे तरीके से जो ग्रे पूलेट होता है उसके अंदर पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। बेसिकली ग्रे पूलेट जो है वो एक ऐसी चीज़ है जैसे कि जिसको जिससे बच्चे जो हैं वो जूस वगैरह बना के इसका यूज़ करते हैं, जिस तरह से टैंक वगैरह होता है, इन द सेम वे ग्रे कूलेड होता है जिसको हमने इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया है। और इसके अंदर हम फाइंड आउट करते हैं ग्लूकोज की कंसंट्रेशन के, इसके ग्रे कूलेड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कितनी है। जब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर हमने अपना सैंपल इंट्रोड्यूस अभी नहीं करवाया होता, कोई भी क्यूबिट कोई भी वायल उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती, उस टाइम पे लाइट का जो पाथ होता है वो क्लोज होता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की एब्जॉर्प्शन का जो क्राइटेरिया है वो ये होता है कि लाइट पास करती है और सैंपल के अंदर से गुजरती है और फिर पता चलता है कि जो लाइट सैंपल के अंदर से गुजरी है उसने कितनी लाइट को एब्जॉर्ब किया है। और इसी के अकॉर्डिंग हमें किसी भी चीज़ की वेवलेंथ या किसी भी चीज़ की एब्जॉर्प्शन का पता चलता है। इसी तरह से हम नेक्स्ट ग्लूकोज को भी फाइंड आउट करते हैं। तो जब कोई भी चीज़ अभी सैंपल अंदर प्रेजेंट नहीं होगा तो इसका मतलब है कि कोई भी लाइट जो है वो ट्रांसमिट नहीं होगी और जो एब्जॉर्प्शन होगी वो इन्फिनिट होगी। तो आपने जो एब्जॉर्बेंस स्केल है उसको इन्फिनिटी पे सेट कर देना है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर निशान बना होता है, वहाँ से पढ़कर उसको इन्फिनिटी पे सेट कर देना है। इसके बाद आपने एक क्यूबिट लेनी है, उसके अंदर ब्लैंक वन डालना है। ब्लैंक वन का मतलब है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आपने जिसके अंदर सारे कंटेंट्स वगैरह प्रेजेंट हैं। अब इस सॉल्यूशन के अंदर आपने ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें प्रेजेंट हों लेकिन ग्रेप कूल एट जो है जिसके अंदर से हमने ग्लूकोज को फाइंड आउट करना है वो प्रेजेंट ना हो।
और जितनी कंटेंट्स जो है वो ग्रेप फ्रूट 8 के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उतने ही कंटेंट्स हम सेपरेटली इस ब्लैंक वन के अंदर ऐड कर देते हैं। शुगर और वाटर सेम उसी कंटेंट के अंदर ब्लैंक वन में ऐड कर देते हैं जिस कंटेंट के अंदर ग्रेप फ्रूट 8 के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन डायरेक्ट ग्रेप फ्रूट 8 जो है वो आप ब्लैंक वन के अंदर ऐड नहीं करेंगे। इसके बाद आप पर नेक्स्ट जो है वो इसकी रीडिंग लेंगे। इस क्यूबिट को आप लेके ये जो ब्लैंक वन होगा इसको आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर रख देंगे। इसके बाद जब आप सैंपल को रखेंगे तो डेफिनेटली लाइफ पाथ जो है वो भी ओपन हो जाएगा, लेकिन क्योंकि इस सॉल्यूशन के अंदर ग्रेप फ्रूट 8 जिसके अंदर से हमने ग्लूकोज को फाइंड आउट करना है वो प्रेजेंट नहीं होता, तो इसकी एब्जॉर्बेंस जो है वो जीरो शो होती है और हमने इसकी एब्जॉर्बेंस जो है वो स्टार्टिंग में जीरो ही सेट करनी है। उसके बाद आपने जो ग्रेप फ्रूट टेस्ट सॉल्यूशन है जो कि हमारा मेन चीज है जिसके अंदर हमने ग्लूकोज को फाइंड आउट करना है, उसको क्यूबिट में डालेंगे और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देंगे, फिर इसकी एब्जॉर्बेंस को फाइंड आउट करेंगे और उसकी रीडिंग ले लेंगे। उसके बाद फिर आप एक क्यूबिट लेंगे और उसके अंदर ब्लैंक टू डालेंगे और फिर उसके साथ जो स्टेप 5 और 6 है जो आपने किया है ऊपर इसको रिपीट करेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि अगर हमने फिर से एक ब्लैंक लिया तो क्या उसकी रीडिंग पहले जैसी ही आ रही है, और अगर क्या हम ग्रेप फ्रूट 8 टेस्ट सॉल्यूशन को फिर से यूज करते हैं क्या सेम रीडिंग या फिर उससे मिलती जुलती रीडिंग आ रही है या फिर चेंज वैल्यूज आ रही है। नेक्स्ट पे आता है ग्लूकोज। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो यूज किया जाता है ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए फ्रूट 8 के अंदर। जब हम डायरेक्ट फ्रूट 8 की एब्जॉर्बेंस को फाइंड आउट करते हैं जिस तरह के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर हमने देखा कि हमने फ्रूट 8 की एब्जॉर्बेंस को फाइंड आउट किया, उसका मतलब होता है हम एक डायरेक्ट मेजरमेंट कर रहे हैं। फ्रूट 8 जो है वो बेसिकली एक कलर्ड प्रोडक्ट होता है और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कलर्ड प्रोडक्ट को इजीली फाइंड आउट कर लेता है, इसके अंदर कंटेंट को इजीली फाइंड आउट कर लेता है। ग्लूकोज असे के अंदर जो है वो डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं की जाती, इनफैक्ट उसके अंदर डिफरेंट चीजों को नोट किया जाता है। इसके अंदर कलर प्रोडक्ट की एब्जॉर्बेंस को मेजर किया जाता है उस टाइम पे जब ग्लूकोज जो है वो रिएक्ट करता है ग्लूकोज असे रिएजेंट के साथ। जब ग्लूकोज ग्लूकोज असे रिएजेंट के साथ रिएक्शन शो करता है तो फिर उस टाइम पे जो वैल्यूज आती हैं उनको नोट किया जाता है। कलर्ड सब्सटेंस की जितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगी सैंपल के अंदर उतनी ही उसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होगी। मीन्स के जब आप कलर्ड सब्सटेंस को फाइंड आउट कर लेंगे उसकी कंसंट्रेशन को तो उस टाइम आपको ग्लूकोज की अमाउंट भी पता चल जाएगी। इसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ग्लूकोज कलर रिएजेंट और इसके अलावा ग्लूकोज जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज किया जाता है वो स्किन को इरिटेट कर सकते हैं, तो आपको ग्लव्स वगैरह और गॉगल्स वगैरह जो है वो अच्छे से यूज करने चाहिए ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले। तो ये प्रैक्टिकल था आपका और इसको आपने लिखना भी है और याद भी करना है।